कांग्रेस के दिग्गज नेता ने बुलाई अहम मीटिंग। चुनाव से पहले भाजपा में मचा बवाल। एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की दिल्ली दौड़ के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कल अपने आवास पर पूर्व मंत्रियों की बड़ी बैठक बुलाई है। एमपी कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल के चलते इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बता दें, अरुण यादव, अजय सिंह जैसे बड़े नेता इस बीच दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। इन्हीं दौड़ के बीच कमलनाथ ने अपनी सरकार के समय के पूर्व मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि बैठक में नाराज नेताओं को खुश करने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही खबरें आ रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद और नेता प्रतिपक्ष में से एक पद जल्दी ही छोड़ सकते हैं। दिल्ली में इसको लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है। ज्यादा संभावना है कि कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दें। 2023 के विधानसभा चुनाव में चूंकि 1.5 साल का ही वक्त बचा है, ऐसे में कमलनाथ की सक्रियता और बढ़ेगी, लिहाजा जिम्मेदारी को बांटना जरूरी है। साथ ही इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि कांग्रेस में नेता नाराज चल रहे हैं। फिलहाल नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में बाला बच्चन, डॉक्टर गोविंद सिंह और विजय लक्ष्मी साधो का नाम सबसे आगे है। पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदिवासी या पिछड़ा वर्ग में से नेता प्रतिपक्ष चुनने के मूड में है। इस लिहाज से युवा विधायकों में कमलेश्वर पटेल और जीतू पटवारी के नाम की भी चर्चा है। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में मंत्री रहे सभी पूर्व मंत्रियों को बुलाया गया है, जहां नए नेता प्रतिपक्ष को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही अगले साल नवंबर के महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2023 का एजेंडा भी तय किया जाएगा।